अनलोडिंग स्टार्ट हो गई है भाई। उतरा माल अभी धड़ाधड़, दो बत्ते माल उतर गए हैं, दो बत्ते रह चुके हैं, तो ये माल पेटियां बैठ गई, अब इनके पैसे हमारे काटेंगे, देख लेना। ये देख लो भाई हमारी लाइफ ट्रक वालों की, तीन दिन से उस्ताद को भाड़ा नहीं मिला है। क्या नहीं मिल रहा उस्ताद जी भाड़ा? तीन दिन हो गया जिनकी गाड़ी खाली हुई, तो एक दिन गाड़ी लेट है, तो तीन दिन से इनको यहाँ पे उठा के रखा, भाड़ा नहीं दे रहे हैं। अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है हमने खाली खुली करके शाम में, और लड़का शायद सो रहा है, देखो कैसी लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो भाई? तो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट, मतलब अभी तो मैं यहाँ पे गाड़ी खाली नहीं कर रही थी। ये ब्लॉग एक बहुत लंबा हो रहा था, उसको फिर स्टार्ट करने के लिए हमने उसको दोबारा से, इसका सेकंड पार्ट है जो अभी आपने देखा, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, तो करते हैं इस ब्लॉग का स्टार्ट। तो फाइनली भाई सुबह के 4 बज चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं करीम नगर, बस और 2 किलोमीटर रहा जहाँ मंडी है, तो मिलते हैं आपको मंडी में ही जाके। और ये करीम नगर इंटर हो चुके हैं सिटी में इस टाइम हम लोग, देखो कितनी प्यारी सिटी है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग, हमने माल खाली करना है, वहाँ पहुंच चुके हैं। सुबह के 5 बजे पहुंचे भाई हम लोग मंडी, और अभी आ रहा व्यापारी का बंदा, तो हमें लेके जाएगा जहाँ उसका माल खाली होगा। तो दुआ करें कि जल्दी से जल्दी खाली हो जाए, दुआ जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगा तब तक खाली भी हो गया होगा, तो चलें फिर भी दुआ करते रहें हमारे सफ़र के लिए सही सलामत हो। तो करते हैं यहाँ पे खाली माल, फिर मिलते हैं आपसे। अनलोडिंग स्टार्ट हो गई है भाई, तो एक तो घंटा लगेगा और अनलोडिंग हो जाएगी हमारी, बहुत ही अर्जेंट माल था, बोल रहे थे लेट हो गए हो आप, और हम तो टाइम पे ही आए हैं, ये बोल रहे हैं कि लेट हो गए हैं। देखते हैं खाली हो रहा माल तो सही सलामत है। सुबह आए थे, आधी गाड़ी हो चुकी है और माल उतार के लगा दिया है यहाँ पे। उतरा है माल अभी धड़ाधड़, दो बत्ते माल उतर गए हैं, दो बत्ते रह चुके हैं, तो ये माल पेटियाँ बैठ गई, अब इनके पैसे हमारे काटेंगे, देख लेना। गाड़ी अपनी हो चुकी है भाई खाली, देख सकते हो आप, पूरा माल यहाँ पे लगा दिया है। और ये 3, 3, 6 और 3, 9 पेटी निकाल के रख दी इन्होंने बाहर। हेलो फ्रेंड्स, तो दिन के 12 बज चुके हैं, 1 बजने वाला, तो माल हमारा जैसे कि आपको मालूम है कि खाली हो गया था, गिनती भी हो गया, और शाम को हम के फ्री होंगे यहाँ से, 9 एंट्री से निकलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है हमने खाली खुली करके शाम में, और लड़का शायद सो रहा है, देखो कैसी लग रही है। चलो हम भी सोते हैं, करते हैं रेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम लोग अभी सोकर उठे हैं, जैसे कि मैं आपको वरना सोने लगे, अभी सोकर उठे हैं। गाड़ी अपनी रेडी है, रेडी टू फ्लाई सादा, और माल हमने वहाँ पे खाली किया, अब सिर्फ बाड़ा वगैरह लेना है, बाड़ा लेके फिर उसके बाद निकल पड़ना है सावदा की तरफ। ये अपनी गाड़ी है, इसके साथ एक गाड़ी हो रही है, उसको 3 दिन से बाड़ा नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक दिन गाड़ी लेट थी तो बोलते हैं नहीं बाड़ा नहीं देंगे, एक दिन गाड़ी लेट होने पर। तो देख लो भाई कितनी बुरी हालत, 3 दिन से गाड़ी अब यहीं खड़ी करके रखी है, एक दिन लेट होने से 3 दिन यहाँ खड़ी करके रखी है। चलो क्या करें भाई, हमारे साथ ऐसी मजबूरी होती रहेगी। तो ये रही अपनी गाड़ी, फिट करके रखी है हमने, अभी हम लोग फ्रेश होने जा रहे हैं, नहाने वगैरह जा रहे हैं, नहा धो कर के फिर निकलेंगे। यहाँ पे सिर्फ 3 ही शेड हैं, 3 शेडों में 6 व्यापारी हैं मेरे ख्याल से टोटल, कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मुझे तो इधर 3-4 ही दिख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 व्यापारी हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। तो चलें करते हैं अपना नहान, फ्रेश वगैरह कपड़े चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है कपड़ों में से, फ्रेश होते हैं फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे आए थे हम लोग नहाने का जुगाड़, बहुत अच्छा है मंडी के अंदर, बहुत अच्छी टैंकी लगा के रखी है,
और अब जाते हैं बनाते हैं खाना गाड़ी में। फ्रेश फ्रूश तो हम हो गए हैं, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। ये देख लो भाई हमारी लाइफ ट्रक वालों की। 3 दिन से उस्ताद को भाड़ा नहीं मिला है। क्या नहीं मिल रहा उस्ताद जी भाड़ा? कितने दिन लेट है? एक दिन गाड़ी लेट है तो भाड़ा नहीं दे रहे। आज 3 दिन हो गए इधर तो यहाँ पे खाना बन रहा है, लंगर फुलके बन रहे हैं। साड़ियाँ जनानियाँ आ दियाँ तुम कर दे कख नहीं, देख लो भाई है सही गल है। घर दे आ दे कर दे कख नहीं है, घर दे बड़ा पता। बंदा फुलका बड़ा कैंट बना रहा यार, फुलका कैंट बना रहा है देखा। पूरी पूरी टेक्निक है ले। 22 साल 22 साल हो गए ट्रक चलाते, चाचे नु ज्यादा हो गए ना है चाचा? किन्ने चेर हो गए चाचा तुहानू? पुरानी मॉडल है 305। मैं भी बैठे हाँ कितने गंगयाल तू जाते उपर दौरा हो जाता बंदा यार। अखबार रख लेनी थले कोई तो भाई आ गया हमारा खाना, बिरयानी लेके आया ये, सुबह से खाया नहीं था ऐसे सोए हुए थे। क्या खुश हो रहा है बिरयानी देख के, और कोल्ड ड्रिंक लाया साथ में थम्स अप। और अभी खाएंगे हम लोग खाना यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो भाड़ा मिला नहीं है तो पता नहीं कब तक आएंगे ये भाड़ा लेने के लिए। और जैसे भाड़ा मिलेगा फिर हम निकलेंगे यहाँ से सावदा की ओर। तो बिरयानी खा रहे हैं, मिलते हैं आपसे बिरयानी खाने के बाद। रात के 8 बज चुके हैं, 9 बजने वाले हैं, तो अभी हम रुके हैं यहीं पे। सुबह से गाड़ी खाली की है, अभी तक हमें भाड़ा नहीं मिला है। तो देख लो भाई व्यापारी लोग अपना माल मंगवाना हो तो बहुत जल्दी जल्दी करवाते हैं। अब हमें यहाँ पे खड़े करवा के रखा है। एक गाड़ी मेरे साथ की जो पहले बता रहा था बेचारे खाना बना रहे हैं यहाँ पे, 3 दिन हो गया जिनकी गाड़ी खाली हुई, तो एक दिन गाड़ी लेट है तो 3 दिन से इनको यहाँ पे उठा के रखा, भाड़ा नहीं दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम आती है जब, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। और अब सुबह का गाड़ी खाली हुआ है, भाड़ा तो देना ही है यार, सुबह दोपहर तक तो दो। अब 8 बज गए हैं, आएगा बोल रहा है 9 बजे आऊँगा, 9 तो बज चुके हैं आज के, मतलब 9 के करीब हो चुके हैं, 8 से ऊपर है टाइम, तो आना चाहिए इनका फ़र्ज है। जैसे माल पहुँचा जो भाड़ा है गाड़ी को हवाले करना चाहिए, अकाउंट में डालना, जैसे भी करना जल्दी करना चाहिए। यहाँ पे आके मन खुलकी होता है यार, इनका माल इतनी मतलब मुश्किल से, आप लोग हमारे व्लॉग में देखते होंगे, इतनी मुश्किल से हम पहाड़ों में से निकल के कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये लोग मतलब कुछ सोचते नहीं है हमारे बारे में, क्या बोलें यार, गुस्सा आता है जब ऐसा काम होता है। तो अब ये बात चल रही है कि ये दूसरी गाड़ी वाले बेचारे 3 दिन से यहाँ पर खजल हो रही हैं, क्या करें, गाड़ी में भी नहीं सो सकते, अगर पंखा लगाएंगे बैटरी डेड होगी, नीचे लेटे हुए हैं, तो ऐसी मुश्किलें हमारे साथ आती रहती हैं। तो फिर भी हमें इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे आके मन दुखी होता है यार। तो ये तो हमारा एक मतलब इंडिया में ट्रकर लाइफ का एक पार्ट है, ये हमारे साथ होता रहेगा जब तक कोई अच्छी सरकार नहीं आएगी, कोई मतलब अच्छी स्कीमें नहीं बनाएगी, तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। तो चलें क्या करें, ये तो हमें झेलना पड़ेगा। ये देखो बंदा मस्त हो गया, चमक चमक हो गया, इसको कोई टेंशन नहीं है, जो मर्जी हो जैसा मर्जी हो, आंखें बंद की हैं, सोया था सुबह ये गाड़ी खाली करके, सोना भी पड़ता है भाई, पूरी रात से रगड़ रहा था इसको मैं 2-3 दिन से, बंदा बोला नहीं एक बार भी सी तक नहीं किया कि मैं नहीं चलाऊंगा। तो
करते हैं वेट, जब तक हमें बाड़ा नहीं मिलेगा तब तक तो हम इनके गुलाम ही हैं, जब बाड़ा मिल जाएंगे फिर हम आज़ाद है बादशाह हैं। तो मिलते हैं आपसे, जैसे हमें बाड़ा मिलता है फिर आपसे मिलते हैं कि निकलते हैं हम यहाँ से, क्या करते हैं क्या नहीं पूरा बताएंगे हम आपको। और भाई व्लॉग बनाने का यही एक मतलब हमें बेनिफिट ये है कि चलो आप तक हमारी बातें पहुँच सके, हमारे बारे में ट्रकर इंडियन लाइफ के ट्रकर के बारे में पता चल जाए कि कितनी मुश्किल से हम लोग मतलब अपना टाइम पास करते हैं, कितनी हमें तकलीफ़ होती है इस धंधे में। तो कुछ लोग तो ऐसे ही हैं कि मुंह पे गालियां निकाल देते हैं, क्या बोलें यार, बहुत कुछ होता है यार। सब देखते रहें, जब तक हमारा चैनल रहेगा जब तक हम रहेंगे हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे। और महाराष्ट्र पुलिस का क्या कहना यार, बहुत तंग करती है यार महाराष्ट्र पुलिस में, पूरा जीएनके का सिस्टम है, पैसा तंग करते रहते हैं। जैसे जीएनके में ये नहीं बोलता कि हमारे जीएनके, हमारे जीएनके में भी बहुत गुंडागर्दी है, महाराष्ट्र में भी वैसा ही सिस्टम है। तो चलो भाई क्या करना, हमें तकलीफ़ है, हमारा काम है, हमें तकलीफ होगी तो फिर जाके हमको पैसा मिलेगा, आसान काम नहीं है ट्रकिंग। और मिलते हैं आपसे। तो भाई रात के 12 बज चुके हैं और हमें बाड़ा वगैरह सब हमने ले लिया, गाड़ी खाली हो गई है। तो रात को यहीं पे हम स्टे कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी अभी खाली नहीं हुई है, आधी हुई है, उसके वेट करने के चक्करों में यहीं पे कर रही है स्टे। सुबह हम यहाँ से नो एंट्री से बाहर निकल जाएंगे, आगे एक नवाती ढाबा वहाँ पे रुकेंगे और फिर उस गाड़ी का दूसरी का वेट करेंगे, जब वो आएगी फिर हम दोनों गाड़ियाँ इकट्ठे मिलकर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड, मिलते हैं कल आपको एक अनदर ब्लॉग में, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, गुड नाइट। चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे इंस्टा आईडी पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मुझे बहुत दुख है यार मेरी जो आईडी हैक हो गई थी, जिस यार फॉलोर है वो इस बार फॉलोर कब जुड़ेंगे ये पता नहीं। तो चलो मिलते हैं आपसे, अच्छा ब्लॉग, गुड नाइट।